सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ ड्यूटी के लिए, और वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा है। आज बस नहीं मिली तो ट्रेकर से जा रही हूँ। क्या करें बोलो, जाना तो है ड्यूटी। हाँ, 10 रुपया भाड़ा ज़्यादा लगता है, और क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी ट्रेकर से उतर चुकी हूँ, दिखाया था आप लोगों को ट्रेकर से आई आज, क्योंकि बस नहीं है और ये बस बीच बीच में बंद कर देता है, तब मुझे बहुत मुश्किल होती है, तो मुझे इस चौराहे पर उतरना पड़ता है। और स्टॉपेज पर, ये अलग स्टॉपेज है, यहाँ से ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है हमारा मैरिज डे, और देखो मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो स्कूल जाऊँगी, फिर मीटिंग है, फिर घर जाऊँगी, तो सोच ही सकते हो हमारी ज़िंदगी क्या है। जो हम लोग कामकाज महिलाएं होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी साइड में, पहले काम, और क्या। और वेदर बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन शाम होते सॉरी दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, क्या। तो जी, प्रीतम स्कूल गया है, प्रीतम का आज भी एग्ज़ाम है, मैं कब घर पहुँचूँगी मुझे पता नहीं। अभी काम ठीक से कर लूँ, फिर घर की बातें देखेंगे। और देखिए, इलाका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। पंछियों की आवाज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा माहौल, ऐसा मतलब या ऐसी जगह। तो जी, स्कूल ख़त्म, अभी जा रही हूँ मैं मीटिंग में। अच्छा नहीं लग रहा है इतना टाइम बाहर। तो जी, मीटिंग कंप्लीट, अभी घर की तरफ चलती हूँ। चलिए, थोड़ा जल्दी ही हो गया आज मेरा, क्योंकि मैंने पहले से ही सब कुछ जमा कर दिया था, आज सिर्फ साइन करवानी थी, तो आज जल्दी जल्दी हो गया। और मेरे और सब जो कॉलीग है, सुपरवाइजर है, सब मीटिंग कर रहे हैं, मेरी छुट्टी। चलो अभी आज का दिन थोड़ा एंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। दिन तो खुशियों वाली है, लेकिन ड्यूटी पहले, फिर अपनी ज़िंदगी, है ना। चलो घर पहुँचते हैं। तो जी, घर वापस आ गई, अभी घर की सफाई की बारी है, 1:15 बज रहा है। अभी मैं घर की सफाई करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो जी, नहा लिया है, नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, ये साड़ी पहननी है, ये साड़ी नई थी तो आज यही पहन लिया है। ज्यादा टाइम नहीं है, रेडी होने का 2 बज गए हैं अभी, मतलब ज्यादा कुछ टाइम नहीं था। अभी खाना खाएंगे हम, और खाना तो कल का है, सब मेरी सहेली ने भेजा था, सब है। प्रीतम ने सिर्फ फ्रेंच फ्राई खाया है और थोड़ी सी मिठाई, एक मिठाई खाई है बस, बाकी सब है। तो आज गर्म करेंगे और खाएंगे, और उसी से एनिवर्सरी मना लेंगे। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही बहुत होता है, एक नई साड़ी पहन लो, घर में अच्छे से खाना पीना कर लो, बस हो गया, वही बहुत होता है। और प्रीतम का एग्जाम चल रहा है, बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और हर साल ऐसा होता है। मेरा बेटा जब तक ना बड़ा होगा, मेरे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि हर साल इसी टाइम पे उसका एग्जाम होता है, और क्या। और सब गर्म हो रहा है, प्रीतम के पापा गर्म कर रहे हैं, मैंने एक बाल्टी कपड़े धोए, मैंने लास्ट में खाना पीना होने के बाद में रस्सी में डालूंगी। अभी खाने का टाइम। और ये साड़ी कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, प्रिंट बहुत अच्छी है, बताना। तो चलो खाने बैठते हैं। ओके, तो ये जी देखो, प्रीतम बैठ गया, चटनी और ये पकोड़े मिमी की माँ ने दिया है, और वो अपने दादाजी से बातें कर रहा है फोन पर। और ये रहे जी मेरे हस्बैंड जी, हो गया गरम, टाइम है मुझे नहीं दिया, आप लोगों को दिया, मुझे कहाँ दिया हाँ? मुझे तो आज तो ऐसा ही हुआ, क्या करे। जिस दिन मीटिंग हो, स्कूल हो, दो तो यही हाल होता है हमारा। और प्रीतम खुशी खुशी चटनी और पकौड़े खा रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलो सब कुछ लेकर यहाँ पर आती हूँ, फिर खाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ।
तो जी ये देखिए, कल के सब कुछ गर्म हो चुके हैं। चटनी गर्म नहीं किया है, मछली पुलाव दाल सब्जी प्रॉन अभी बाकी है, मैं लेकर आती हूँ। और चावल भी गर्म हो रहा है। लंच कंप्लीट, अभी है दही की बारी, क्योंकि दही लाया है प्रीतम के पास। ये देखिए अमूल की दही, अमूल नहीं, ये क्या मदर डेयरी। ये लीजिए मैंगो वाला। प्रीतम नहीं खाओगे? चटनी खाकर पेट भर गया अपने का, सिर्फ कोमला चटनी खाया। लगा। ओ और ये देखिए बाप बेटे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? दही खाते खाते जबान लग रहा है, क्या कर रहे हो? तो जी ऐसे ही मना लिया, और क्या घर पे ही देखती हूँ, शाम को अगर कहीं बाहर जाना होता है तो ज्यादा कुछ नहीं, गोलगप्पे खाने जाऊंगे, नहीं तो मोमो, बस उसी से ही हो जाएगा एनिवर्सरी, है ना? गिफ्ट नहीं है, चलो मिलती हूँ शाम को। ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी यानी आप लोगों से मिलने। चलो शाम को भी थोड़ा रेडी हो लिया है, अभी निकलेंगे हम कहाँ, पीतम के पापा जहाँ लेकर जाएंगे, मेरे हस्बैंड जी जहाँ लेकर जाएंगे, आज वही जाएंगे हम, थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। खाना खाने के अलावा कौन सा सेलिब्रेशन बोलो, और कुछ नहीं। और पीतम भी जा रहा है हमारे साथ, पढ़ाई हो चुकी है उसकी, आकर थोड़ा पढ़ लेगा। और क्या अभी इस ब्लाउज के साथ ये साड़ी कैसी लग रही है बताना जरूर। तो चलो हमारे साथ। तो जी पहुंच गए, और ये छोटा सा ही रेस्टोरेंट है लेकिन खाना बहुत अच्छा मिलता है, खाएंगे मोमो ही। पीतम के पापा ने पूछा, मतलब हाँ मोमो और क्या। तो चलो अभी पीतम को लगता है यहाँ पर आया है तो सब कुछ उसे दे दिया जाएगा, सब कुछ चाहिए, बिरयानी चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं दिया जाएगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है। और ये देखो मोमो की प्लेट आ चुकी है, अभी मैं खा जाऊंगी इसको, लेकिन इतना सारा खा पाऊंगी पता नहीं, दिन का खाना ही अभी तक हजम नहीं हुआ है, कोशिश करती हूँ। ये रेस्टोरेंट हमारे घर से 5 मिनट लगता है, मोटरसाइकिल पे पास में है, और हम ज़्यादातर इसी में ही आते हैं, यहाँ पर ही खाना खाते हैं। और बाकुड़ा में मतलब इतना बड़ा बड़ा मोमो यहीं पे मिलता है, और टेस्टी भी है, और सूप भी है, बहुत अच्छा है। पीतम ने लिया है चिकन चाओ, बोला उसको कि मत लो क्योंकि चिकन उसको पसंद नहीं, मतलब साइड कर करके सिर्फ मोमो चाउमीन ही खाता है, लेकिन फिर भी जिद किया
और उसके पापा ने बोला है अगर एक भी थोड़ा सा भी चिकन फेंका तो शास्ती एकदम। तो बहुत ज़्यादा गर्म है मोमो और अच्छा लगता है गर्म हो खाना, तभी ना अभी बना के दिया है और खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि जल्दी से घर जाना होगा। और प्रीतम के पापा ने कुछ नहीं खाया, यही होता है। मैं बोल रही थी कि हम दोनों पास पास बैठते एक दूसरे को खिलाते, तो भी नैना बरसी, नहीं ऐसा नहीं हुआ, प्रीतम को खिलाने लेकर गए हम, तो प्रीतम को घुमाने लेकर गए हैं हम तो। ठीक है चलो बच्चा एंजॉय करे, इससे बेहतर कुछ नहीं। बहुत तीखा है, बहुत तीखा। और प्रीतम देखो अभी भी ये इधर उधर, आज मार पड़ेगी, पूरा कंप्लीट नहीं किया तो। और मुझे बस ये खा के तुम्हारा खा तीन खा के बहुत तीखा लग रहा है। तो चलिए जी, हो ही चुका है, लास्ट में सूप पी लेते हो और प्रीतम ने एक मोमो लिया है तो कंप्लीट कर दिया खाना, कुछ वेस्ट नहीं हुआ है। तो चलो चलो, हो गया जी, घर पहुंच के आप लोगों से बातें करती हूँ धीरे आराम से। तो जी घर वापस आ गई और प्रीतम आते ही बदमाशी शुरू, मिमी मिमी, और ये देखो लाइटर लेके खेल रहा है। इस बच्चे को मैं क्या करूं, इसे पढ़ने बिठाऊं? ठहरिए फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो भी तुमको उस रूम में भेजा है और बोला पढ़ने को, पता नहीं पढ़ेगा या नहीं, मिमी मिमी करते जा रहा है। क्या एनिवर्सरी मना लिया, ऐसा ही होता है हर साल हमारा। हाँ अगर मैं बोलती तो जरूर रेस्टोरेंट लेकर चलते, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि दिन में इतना सारा कुछ खाया है, मोमो ही पूरा कंप्लीट खाया जा नहीं रहा था मुझे मुझे पूरा। फिर प्रीतम ने यह खाया तो ठीक ठाक हो गया, खाना वेस्ट नहीं हुआ। और याद आता है वो दिन, शादी वाला दिन, बहुत मुश्किलों से हुई थी हमारी शादी। ऐसे नॉर्मल अरेंज मैरिज तो थी नहीं, लव मैरिज थी, बहुत मुश्किलों से। मेरी तरफ से कोई नहीं था, ऐसे मंदिर में जैसे शादी होती है सब कुछ वैसे ही हुआ था, लेकिन मेरी तरफ से कोई नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाबा माने नहीं, तो माँ बाबा के डर से और कोई आया नहीं, तो इसलिए हमने बांकुड़ा में शादी की। बांकुड़ा एकतेश्वर मंदिर है शिव जी का, वहां पे शादी किया, क्योंकि ससुराल वालों में से सभी आए तो यहीं पे शादी करना ही ठीक था। प्रीतम के पापा ने बोला कि अगर वहां पे होगी मेरी जगह पे, मायके वहां पर, तो कोई इधर से तो जाएगा नहीं, बहुत दूर का रास्ता है, इससे बेहतर है तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे तो कोई नहीं आएगा, वहां पर हो या यहाँ पर हो तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आने वाला, तो तुम आ जाओ, यहाँ पे होगा छोटा मोटा हुआ लंच, खिलाया था सबको जो जो आए थे, 150 लोग हुए थे। वही दुख था कि मेरे घर से कोई नहीं था। सब कुछ तो सबके नसीब में नहीं होता ना, आपको अपना प्यार तो मिल गया और क्या। फिर शादी के बाद कुछ दिन ऐसे नाराज थे मेरे बाबा मेरे माँ, फिर ठीक हो गया सब कुछ। बीच में चली गई थी ये लाने, मतलब इतना कुछ खाया आज ना, तो सोचा थोड़ा सा ये खा लेते, पीतम के पापा लाए हैं, फ्रिज में रखा हुआ था। तो चलो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तो चलो अभी मैं ये इंजॉय करती हूँ। शांति शांति, टाटा।